ये लाल चंदन है क्या? लाल चंदन है पुष्पा वाला लाल चंदन पुष्पा वाला मुझे पेंटेड लग रहा है खुशबू। गाइस फाइनली हमें एक शॉर्टकट मिला है यहाँ से, लेकिन ऐसे मैंने थोड़ा देख के जाइएगा, थोड़ा रिस्की होता है ये। जय माँ चंडी देवी। भाई परमल गए। यहाँ पे थोड़ा बंदरों से बच के रहना, देखना मेरे भाई के हाथ में था ये क्या हल कर दिया प्रसाद का, बस नारियल बचा है नारियल। मैं भी रिकॉर्ड। हेलो गाइस वेलकम बैक इन माय चैनल, और आज हम आए यहाँ पे हरिद्वार में और हम ट्रैवल करेंगे माँ चंडी देवी के मंदिर की तरफ। यहाँ से चढ़ाई स्टार्ट होती है, आप लोग देख रहे हो, और यहीं से हम लोग जाएंगे और काफ़ी हाइट पे ये मंदिर है, और वहाँ पे जाके क्या क्या देखने को मिलेगा, दर्शन हम करेंगे और आपको भी कराएंगे। तो चलते हैं और दर्शन करते हैं। गाइस हमारी यहाँ पे चढ़ाई स्टार्ट हो गई है, मतलब हम यहाँ पे ट्रैक करना स्टार्ट कर दिए हैं। पीछे यहाँ पे आप लोग देख रहे हो मंदिर का पूरा गेट है, और यहाँ से इसकी चढ़ाई स्टार्ट हो गई। लेकिन हम लोग आज यहाँ पे ट्रैक करके जाने वाले हैं, और देखते हैं यहाँ पे कैसे हमें चीज़ें देखने को मिलती है, कितनी ऊँची चढ़ाई है। और यार यहाँ पे आप लोग ना यहाँ पे बाइक से भी जा सकते हो, स्कूटी से भी जा सकते हो, फिलहाल हम यहाँ पे ट्रैक करके जा रहे हैं। इधर से यहाँ पे साफ लिखा है काइंड टू एनिमल डोंट फीड देम, मतलब वन्य जीवों से दयालु दिखाएं, उन्हें खाने की कोई सामग्री ना दे। मतलब आप लोग जब खाना देते हो ना तो क्या होता है कि वो छीन छीन के भागते हैं आपके जैसे मंदिर वगैरह, तो उस चक्कर में ये चीज़ें लिखती हैं। तो गाइस बी अवेयर, चढ़ते हैं ऊपर चलते हैं। यार गर्मी लग रही है अब तो, चढ़ते हुए। गाइस फाइनली हमें एक शॉर्टकट मिला है यहाँ से, लेकिन ऐसे मैंने थोड़ा देख के जाइएगा, थोड़ा रिस्की होता है ये। फिलहाल तो मैं फिट तो पूरा अच्छे से जा सकता हूँ, लेकिन अगर आप लोग थोड़ा अनफिट हो या फिर आपने स्पोर्ट्स शूज़ नहीं पहने हैं तो ऐसे रास्तों को बिल्कुल भी मत लीजिएगा। फिलहाल मैं जा रहा हूँ। फाइनली थोड़ा रास्ता कटा यार, अब यहाँ से भी है। चल भाई ऐसे ऐसे छोकरियाँ रास्ते में मिलते रहते हैं, लेकिन थोड़ा ही छोटा है, इससे बढ़िया घूम के चले जाते हैं। अभी मैंने एक से पूछा, वो कह रहा है कि भाई यहाँ से मुश्किल से मुश्किल थोड़ी दूरी बचा है, उसके बाद बस मंदिर आ जाएगा। थक गया यार। फाइनली हम लोग पहुंच गए यहाँ पे माँ चंडी देवी के मंदिर, और कहा जाता है ये एक बहुत प्राचीन मंदिर है जो कि सतयुग से यहाँ पे है। और मैं यहाँ पे जानना है कि क्या हिस्ट्री रही है यहाँ की, और क्यों ये इतना प्रसिद्ध मंदिर है, इतना प्राचीन है। तो चलते हैं अंदर और जानते हैं इस मंदिर के बारे में। प्रसाद यही मिल जाता है भाई, चप्पल। यहाँ पे मैंने प्रसाद ले लिया है, और यहाँ पे आप लोगों को कई बार ऐसे लगेगा यहाँ पे आके कि प्रसाद के साथ साथ फूल वगैरह भी लोग देते हैं यहाँ पे, और कई बार इतने प्यार से देते हैं ना, ऐसा लगता है कि फोर्स कर रहे हो। तो यार वो चीज़ आप पे है कि आप कैसे मैनेज करो। और आप हम जा रहे हैं अंदर और चलते हैं। तो मतलब यहाँ पे फूल वगैरह अगर आपको चाहिए हो, चढ़ाने हो, तभी लीजिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे एंट्री हो चुकी है। जय माता दी देवी। लाइनों के लिए भीड़ ज्यादा होती है, तो ये यहाँ पे लाइन लगती है पूरे में। यहाँ से लिखा हुआ है CCTV में सब रिकॉर्ड हो रहा है, मतलब यहाँ पे चारों तरफ से लगे CCTV लगे हुए हैं। तो अब चलते हैं अंदर।
यार जब मैं पहले यहाँ पे आया था ना, तो यहाँ से लेके पूरे में लाइन ही लाइन थी। ये पूरा जो एरिया बन रखा है ना, ये लाइन लाइन का है, पूरा लाइन का है। मतलब ऐसे ऐसे करके यहाँ पे लाइन लगती है। तो देखिएगा कितनी भीड़ होती है नवरात्रि के टाइम पे, तो यहाँ पीक भीड़ होती है, मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। नज़ारे देखिए, पेट्रोल चल रही है, पेट्रोल सामने आप लोग देख सकते हो, यहाँ पेट्रोल चल रही है। माँ चंडी देवी के दर्शन तो मैं आपको नहीं करा पाया, क्योंकि यहाँ पे मंदिर परिसर में कैमरे से फ़ोटो क्लिक करना और वीडियो बनाना बिल्कुल ही मना था। लेकिन मंदिर परिसर से बाहर जाते हुए मुझे एक रास्ता मिला जो कि पूरा का पूरा माता की चुनरी से बंधा हुआ था। इसके पीछे मान्यता यह है कि यदि कोई सच्चे दिल से अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए यहाँ पर चुनरी बांधता है माता के दरबार में, तो उसकी मनोकामना पूरी ज़रूर होती है। और मनोकामना पूरी होने के बाद यहाँ पे वही व्यक्ति आके उस चुनरी को खोलता है। इस मंदिर की ये बहुत ही अद्भुत मान्यता है। हम लोग मंदिर के तो बाहर आ गए हैं, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल में फ़ोटो क्लिक करना बिल्कुल मना है, कि आप लोग फ़ोटो और वीडियो नहीं बना सकते। मंदिर ऊपर की साइड है और ये एक गलियारा है जिसके थ्रू हम लोग बाहर की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे आप लोग प्रसाद ले सकते हो, घर के लिए अखरोट वगैरह सब मिलते हैं यहाँ पे। और अभी हम बढ़ रहे हैं बाहर की साइड। तो अगर आप लोग अगर मंदिर में जा रहे हो, परिसर के अंदर मंदिर के, तो आप लोग बिल्कुल भी वीडियो और फोटो नहीं क्लिक कर सकते। ये भारत सरकार द्वारा जनहित में जा रही है, तो आपके हित में भी यही है। यहाँ पे आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाती है। चंदन भी लगता है, चंदन नहीं है जी, कितने के? ये लाल चंदन है क्या? लाल चंदन है, पुष्पा वाला लाल चंदन, पुष्पा वाला। मुझे पेंटेड लग रहा है, खुशबू आ रही है चंदन की, बढ़िया वाली। ये लाल सफेद पाउडर चंदन का, ये कितने का? 80 रुपए का ये, ऐसा। और ये अलग अलग रेट के 300 रुपए का है, सबका रेट अलग अलग। ये 300 का है, देख लो भैया माला वेट पे होगा ना इनके, इतना भारी वेट के हिसाब से। ये होता है पुष्पा वाला चंदन, राट क्या लाल चंदन। ये 300 का है 250 रुपए का है, मतलब वेट के हिसाब से यहाँ के रेट है। अगर आपको पुष्पा वाला लेना है तो 80 रुपए का ये छोटा वाला है, और 150 रुपए का इससे बड़ा है। चलते हैं हमें पे, हम आ चुके हैं यहाँ पर। हम उनको प्रसाद का ये ट्रे देंगे और जूते भेजेंगे। जूतों का यहाँ पे कोई चार्ज नहीं होता एक्स्ट्रा, ठीक है ना। एक सौ एक ना भैया, 101.2। खाने पीने का हिसाब कर सकते हैं आप, ढाबा वगैरह सब बेटा। मेरा क्या है कि इस मंदिर के हिस्ट्री में ही ऐसा है कि अगर आप लोग यहाँ पे आ रहे हो, भाई 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 समझ रहे हो, ओ भाई परमल गए, चलिए यहाँ पे थोड़ा बंदरों से बच के रहना। देखना मेरे भाई के हाथ में था ये, क्या हाल कर दिया प्रसाद का, बस नारियल बचा है, नारियल पकड़ रखा हूँ। तो गाइस इस टाइम हम खड़े हैं यहाँ पे ट्रॉली सेक्शन में, कि अगर आपको यहाँ पे मंदिर तक आना है ऊपर, तो आप लोग ट्रॉली से भी आना जाना कर सकते हो। यहाँ पे टिकट चार्जेस लिखे हुए हैं, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे वन वे टिकट जो है वो 146 रुपये का, और टू वे जो टिकट है वो 168 रुपये का है। तो जो है वो यही है, अगर आपको यहाँ पे आना जाना करना है तो 168 रुपये दीजिए, और अगर जाना है या फिर ऊपर आना है तो 146 रुपये में आप लोग कर सकते हो। जय माँ चंडी देवी। आज अगर मैं बात करूँ इस मंदिर के हिस्ट्री यानी इतिहास के बारे में, तो ये कहा जाता है कश्मीर के राजा तुसर सिंह ने इस मंदिर का निर्माण कराया था सन 1929 में। और ये भी कहा जाता है आदि गुरु शंकराचार्य जी ने 8वीं शताब्दी में यहाँ पे इस मूर्ति की स्थापना करी थी।
लेकिन अगर मैं इसकी मैथोलॉजी यानी यहाँ पे धार्मिक कथा के बारे में इसकी बात करूँ तो ये कहा जाता है कि माँ चंडीगढ़ ने शून्य शिव को मार के इसी पहाड़ी पे आके आराम किया था, इसीलिए तब से यहाँ पे इस मूर्ति की स्थापना की गई थी, मतलब यहाँ पे इस मंदिर को पूजा जाता है। तो माँ चंडी का माँ चंडी के नाम से इस मंदिर को जाना जाता है। और यहाँ पे दो पहाड़ियाँ भी हैं शुम्न शुम नाम की, जहाँ पे कहा जाता है कि माता ने यहाँ पे शुम्न शुम को मारा था और यहाँ पे आके आराम किया था। और गाइस ये जो मंदिर है ये नील पर्वत पे स्थित है और बहुत ही अमेजिंग जगह है गाइस। अगर आप लोग यहाँ पे आते हो तो अगर आप लोग हरिद्वार में आते हो तो यहाँ पे आना आप लोग बिल्कुल ही मत भूलिएगा। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।